दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर हुआ है जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन में यहाँ पर खड़े हुए रजत दलाल और आरफिन, टाइम गॉड आरफिन। लेकिन दोस्तों इस टास्क में इन दोनों से ज्यादा दोस्तों चर्चे यहाँ पर बाकी सदस्यों के बारे में होने वाला है। दोस्तों जब यहाँ पर करणवीर खोलेगा ईसा की पोल तो दोस्तों यहाँ पर काफी लोग हैरान रहते हुए नजर आएंगे। वीवीएल हैरान होंगे दोस्तों, यहाँ पर चाहत हैरान होने वाली, अविनाश के दोस्तों यहाँ पे होश उड़ने वाले हैं, चुम लेकिन दोस्तों खुश होने वाली है। ऐसा तो क्या होने वाला है बताते हैं पूरी स्टोरी। दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपका ओपिनियन पूरे पे क्या। दरअसल दोस्तों यहां पर बिग बॉस के घर के अंदर बिग बॉस ने एक जनरल इलेक्शन करवाया है घर के अंदर, और ये जनरल इलेक्शन जो है कहीं ना कहीं वो टाइम गॉड से रिलेटेड ही होने वाला है बेसिकली। दोस्तों इसका यहां पर ऑब्वियस सी बात है किसी दो को तो डायरेक्ट मौका नहीं मिलेगा, तो और भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे बाद में धीरे धीरे करके, लेकिन ये एक जरिया होगा, मतलब कहीं ना कहीं एक पार्ट होगा उसका। जहां पर दोस्तों आपको बता दूं कि पहले जब यहां पर रजत और टाइम गॉड आरफिन जो कि पहले थे वो यहां पर आकर के अपने बारे में कुछ खास बातें बताते हुए नजर आएंगे कि क्यों वो यहां पर जो है इस पद पर रहना वो डिजर्व करते, और यहां पर रजत बताएगा क्यों वो इस चीज को चेंज करना डिजर्व करता है और उसकी लीडरशिप घर को चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरत है यहां पर रजत जैसे लीडर की, उसको ये चीज साबित करना है। अब दोस्तों अब यहां पर इस साबित करने के चक्कर में पहले तो उनको अपनी पॉइंट्स को प्रूव करना है, उसके बाद फिर यहां पर बाकी सदस्य आएंगे और उनसे क्वेश्चंस पूछते हुए नजर आएंगे, जिसमें वो कितने बेबाक तरीके से उसका जवाब दे सकते हैं और उसका यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं उसका उसको हैंडल कर सकते हैं, उस पर यहाँ पर वो डिसीजन होगा। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर करणवीर मेहरा आएंगे और वो दोस्तों यहाँ पर रजत के जरिए ईसा की पोल खोलेंगे, जिसको लेकर के यहाँ पर अविनाश भी क्वेश्चन में आ जाएगा अपनी दोस्ती को लेकर के। हालांकि दोस्ती इनकी जो दोस्ती है वो यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ते हुए नजर आ रही है, इसको एक अलग एंगल दिया जाएगा, वो तो मेरे को अभी से ही दिख रहा है ईसा और अविनाश की। खैर दोस्तों वो तो बात की बात होगी, फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या। जब जनरल इलेक्शन में रजत दलाल से पूछा गया कि आपके हिसाब से ईसा कितनी ज्यादा डिजर्विंग है, तो वो तो यहाँ पर सीधा सीधा बोलते हैं, हालांकि वो बोले कि बहन है, बट रजत दलाल का एक और क्वालिटी है कि वो मुंह पर बोलता है और जो बोलता है वो बोल ही देता है, फिर इसलिए वो बोल देता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ईसा ज्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाली है। जिसके बाद यहां पर ये सुनते ही काफी लोग यहां पर हैरान रह जाएंगे, अविनाश के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यहां पर ईसा बोलते हुए जाएंगे मुझे तो लगता है कि मैं यहां पर घर के ऊपर बहुत आगे हूं, मुझे रजत भाई आप बहुत नीचे देख रहे हो। जिसके बाद यहां पर करणवीर पूछता हुआ जाएगा तो क्या लगता है आपको कि आप बेहतर है यहां पर, अविनाश से भी बेहतर है। जिसके बाद ईसा बोलेगी हाँ मैं अविनाश से भी बेहतर हूं, मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटी है जो उसके अंदर नहीं है, उसमें यहां पर कुछ वो कॉन्स जो है वो गिरा देती है बेसिकली यहाँ पर अविनाश के, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है और अविनाश के तो दोस्तों यहाँ पर होश उड़ते हुए नजर आते हैं। बट इन सब में यहाँ पे करणवीर की फिर से एक बार समझदारी निकल के सामने आती है, जिसके वजह से यहाँ पर विवियन तो हैरान होता ही है, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर जो है बाकी घर वाले भी हैरान होते हैं। लेकिन दोस्तों चुम काफ़ी ज़्यादा खुश थी इस बात से, ये टास्क से भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि यहाँ पर चुम और को लगा था कि यहाँ पर करणवीर कुछ ना कुछ नया निकलवाएंगे और वो करते हुए नजर आए। हालांकि यहाँ पर चुम और करणवीर की जो बॉन्डिंग है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होते हुए भी नजर आ रही है, शायद इसलिए भी वो खुश भी होंगे करणवीर ने यहाँ पर अविनाश और ईसा दोनों को फंसा लिया। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाला है दोस्तों सिनेरियो क्या कुछ है। आपको दोस्तों कौन अच्छा लग रहा है अभी तक कमेंट में जो बताइए, और आप कौन सा ऐसा एक कंडीशन लगा जो सबसे नेगेटिव है कमेंट में जरूर बताइए। सब्सक्राइब करें फर्दर अपडेट के लिए।